हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं अम्ब्रेला टॉप की कटिंग। जो शॉर्ट टॉप होता है उसकी कटिंग मैं आपको सिखाने वाली हूँ। अम्ब्रेला कटिंग उसकी किस तरह से करते हैं, इसके हिसाब से जिस तरह से मैं आपको शॉर्ट टॉप की कटिंग बता रही हूँ, इस तरह से आप लॉन्ग की भी सेम कटिंग कर सकते हो। उसके लिए आपने लेंथ ज़्यादा रखनी है और जो कपड़े की चौड़ाई है वो ज़्यादा लेनी है। तो इस तरह से आपकी लॉन्ग की भी कटिंग हो जाएगी। सबसे पहले तो हमने कपड़ा जो है, देखिए जिस तरह से मैंने फोल्ड किया हुआ है, हमने इस कपड़े को इस तरह से रखना है फोल्ड करके, इस तरह से अम्ब्रेला शेप देनी है कपड़े की। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हमारा, हम उसकी कटिंग कर देंगे। शेप देखकर कपड़े की एक्स्ट्रा की हमने कटिंग कर देनी है। इस तरह से और यहाँ से भी हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह देखिए, अभी हमने इसके ऊपर टॉप की कटिंग करनी है। जैसे हम सबसे पहले ऊपर तीरा रखते हैं तो उसी तरह से हमने ऊपर तीरा रखना है अपना सबसे पहले। तो तीरा आपने कैसे रखना है इसके ऊपर वो मैं आपको समझा देती हूँ। तीरा रखने के लिए आपने जैसे जहीं से आपने तीरा रख लेना है, मान लीजिए आपका तीरा जो है आप 7 इंच ले रहे हो, तो आपने यहाँ से 7 इंच तीरा रख लेना है। यहाँ पर तीरे का निशान लगाना है आपने, जितना आपका तीरा है आपने उतना तीरा रख लेना है यहाँ पर। उसके बाद जैसे आप आर्म होल रखती हो, जहाँ से मान लीजिए आप 7 इंच आर्म होल ले रहे हो, तो आपने ये 7 इंच के ऊपर आपने आर्म होल का निशान लगा लेना है। ये आपका आर्म होल का हो गया है। जहाँ से हम जैसे आर्म होल की कार्ड डालते हैं तो कार्ड हम यहाँ से डालेंगे इस तरह से। और यहाँ से हम नेक रख लेंगे, यहाँ से हम कुर्ती का नेक रख लेंगे, यहाँ से हम और इसकी जो काट है वो रख देंगे। देखिए सेम जैसे कुर्ती का हम कटिंग करती है वैसे उसके हिसाब से आपने ये मार्किंग करनी है। सबसे पहले हमने तीरा लिया, उसके बाद हमने आर्म होल लिया और जहाँ से आर्म होल की कार्ड डालिए और ये नेक रखा है और ये कार्ड जो हम डालते हैं 1.25 इंच की वो कार्ड डालिए। इसके बाद फ्रेंड्स हमने क्या करना है, जैसे आप अपनी फिटिंग का निशान लगाते हो तो आपने फिटिंग रखनी है, आपकी जितनी भी फिटिंग है ड्रेस की आपने अपनी फिटिंग रखनी है यहाँ से। और इसके बाद हम कमर की फिटिंग रखेंगे, जैसे 6 इंच आप छोड़कर जो 7 इंच छोड़कर कमर की जितनी फिटिंग रखते हो, जहाँ से आपने कमर की फिटिंग का लगा लेना है निशान। मान लीजिए आप 7 इंच पे लगा रहे हो तो आप ये 7 इंच पे आपकी फिटिंग का ये निशान लग चुका है। और जो हिप है आपकी, हिप आपने यहाँ से ये 15 इंच छोड़कर हम हिप का निशान लगाते हैं, तो आपने यहाँ से हिप रख लेनी है अपनी। जितनी भी आपकी हिप है आपने, ये आपकी कमर का हो गया है और जहाँ से आपने अपनी हिप का निशान लगा लेना है, ये आपकी हिप का हो गया। और उसके बाद आपने यहाँ से लेकर इसको राउंड शेप देनी है। जैसे मैं आपको बता दूँ, हमारी कुर्ती की जैसे आपने लेंथ रखनी है, मान लीजिए आप 25 इंच लेंथ ले रहे हो, तो आपने ये देखिए ये कॉर्नर पे आपने रखना है। कॉर्नर के ऊपर रखने के बाद जितनी भी आपने लेंथ लेनी है, तो आपने यहाँ से लेंथ का लगा रहे हैं, ये आपकी लेंथ हो गई है। तो यहीं से आपने राउंड शेप देनी, इसके हिसाब से ही देनी है।
इस तरह से आपने इसके घेर को राउंड शेप दे देनी है। इस तरह से। और अगर आप कुर्ती की ज़्यादा जहाँ से घेर नहीं रखना चाह रहे हो, अगर आप कम घेर रखना चाह रहे हो तो आप कम भी रख सकते हो, लेकिन जैसे ये अम्ब्रेला कुर्ती होती है तो हम इसको पूरा घेर दे देंगे। इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे जहाँ से हमने पूरा घेर रखा है कुर्ती का। अभी मैं आपको इसकी कटिंग बता दूँ, और जहाँ से हमने थोड़ा मार्जिन रख लेना है, जैसे ये सिलाई का आपको मैंने बताया था, सिलाई के बाद आपने थोड़ा जहाँ से मार्जिन रख के फिर कटिंग करनी है। अभी हम यहाँ से आर्म होल जो है आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हमने जो कार डाली थी ये हमने कार डाली थी उसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से हमने नेक जो रखा है, जो भी आप नेक बनाना चाह रहे हो नेक बना सकते हो यहाँ से। और नीचे से हम घेर की कटिंग कर लेंगे। देखिए जो हमारा अम्ब्रेला टॉप है उसकी कटिंग, इस तरह से हम कटिंग करते हैं इसकी।